नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें कि जो कल जो विनोद तावड़े और संजय झा जदयू नेता दोनों ने जो सीट शेयरिंग का फार्मूला किया, ये फार्मूला पहले ही तय हो चुका था कि 16 सीटों पर जो है जदयू लड़ेगी। लेकिन अब बता दें कि जो महत्वपूर्ण है वो है सीतामढ़ी की सीट, उस पर भी बात चल गई है। लेकिन एक सवाल जो है वो बार बार हो रहा है दरभंगा सीट को लेकर के, क्योंकि एक समय जब संजय झा महागठबंधन के उम्मीदवार थे उस समय कई उम्मीदवार आ गए थे दरभंगा में, जैसे मोहम्मद अली अशरफ फातमी, कृति झा आजाद, ये तमाम लोग वहाँ आ गए थे। लेकिन जैसे ही संजय झा को राज्यसभा बना दिया गया उसके बाद से दोनों चले गए। फातमी चले गए मधुबनी, कृति झा आजाद चले गए दुर्गापुर। अब सवाल यह है कि आखिर दरभंगा से महागठबंधन के कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार वहाँ उतारने का फैसला किया, जिसमें अभी नाम की घोषणा नहीं की, उससे लेकर के वो अब हम अभी बता दें जदयू के प्रदेश कार्यालय में जा देखें यहाँ पर। और ये सुशासन की समृद्धि जो उनका सिद्धांत है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर हैं के पूरे सिद्धांत उनके कार्यालय में। हालांकि अभी कुछ लोग थोड़ा सा अभी सुना लग रहा है, क्योंकि अभी कल जो बैठक हुई थी कैबिनेट की बैठक हुई थी, कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय भी लिए गए और जदयू कार्यालय में ये सबसे अहम बात हो रही है कि अब जो नई सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ जिसमें मदन सहनी भी बने हैं मंत्री, तो अब एक सवाल है कि क्या बिहार का विकास, जो कि अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2025 में, तो ये मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है वो कितना होगा। देखिए अभी हालांकि ये हम आपको जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में हैं और यहाँ जो आज संजय झा का संभवतः कल पटना वापस लौटेंगे जैसा उन्होंने कहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देर शाम से दिल्ली जाने थे, लेकिन विनोद तावड़े के साथ बैठ जदयू एक साथ जनसभा करते हुए जदयू के कैंडिडेट को बीजेपी जिताए और बीजेपी के कैंडिडेट को जदयू जिताए, इसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास सामने आ रहा है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है दोनों के बीच, जो पहले अलगाव था क्या अब इस चुनाव में, हालांकि संजय झा लगातार काम कर रहे हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारी हो गई है कि वो किस तरह जदयू के पूरे टीम जो 16 है उसको किस तरह जिताएं, इसके लिए वो लगातार काम करेंगे। और प्रदेश कार्यालय में हमें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि किस तरह 16 सीटें जदयू जीते, जिसकी जिम्मेवारी संजय झा के कंधों पर है। वो लगातार मुख्यमंत्री से के सलाहकार के रूप में है, वो दिल्ली में बैठ कर रणनीति तय की 16 सीट की घोषणा के बाद। अब वहाँ ये तय हो रहा है कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं, कौन कौन से उम्मीदवार वहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि अब जब संजय झा वहाँ पर निर्णय ले गए कि आखिर 16 सीटों में जो पहले से ही 17 सीट थे तो और बीजेपी के साथ मिलकर जदयू और जो बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताना ये मुख्य उद्देश्य है, लेकिन इसमें कितनी सफलता मिलेगी ये आपको हम दिखाएंगे। लेकिन एक बात तय हो गई है कि 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड अपने कौन से उम्मीदवार उतारेगा उसके नाम की घोषणा 1 से 2 दिन में हो जाएगी। उम्मीद है 23 तारीख तक जो पहले और दूसरे चरण के चुनाव हैं उसके उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। हम अभी लगातार पटना से आपको लगातार दिखाएंगे कि कौन से राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, बीजेपी में कौन कौन से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल हो जाने के बाद जदयू कार्यालय में पूरी तरह भी शांति पसरा है, क्योंकि 1-2 दिन के बाद नामों की घोषणा हो जाएगी। बिहार मिथिला न्यूज़, धन्यवाद।